पंजाब दे नवें चुने मुख्यमंत्री जिन्हां नूं बहुजन समाज पार्टी दे राष्ट्रीय प्रधान भैण कुमारी मायावती जी और पंजाब यूनिट वालों विशेष तौर ते बधाई कल दित्ती गई। बहुजन समाज पार्टी पंजाब दी यूनिट कांग्रेस अगे इह सवाल करना चाहुंदी आ कि कांग्रेस दे मानजोग श्री हरीश रावत जी और उन्होंने जिहड़ा बयान लगाया कि अगलियां चोणां कांग्रेस दे मानजोग सिद्धू साहब की अगुवाई च लड़िया जाणगियां तां इहदा मतलब श्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब नूं जिहड़ा इन्होंने मुख्यमंत्री दलित दे नां ते लगाया वह शो पीस करके लगाया और कांग्रेस कह रही आ कि श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा जी सिख चेहरे आ और श्री ओपी सोनी साहब जिहड़े दो डिप्टी मुख्यमंत्री लगाए आ वह हिंदू चेहरे आ। जे एक सिख चेहरा हो गया एक हिंदू चेहरा हो गया तो जिहड़े मानजोग श्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब है ना वह हिंदुआं च कांग्रेस गिणदी आ ना कांग्रेस उन्हां नूं सिखां च गिणदी आ ते कांग्रेस पंजाब दे दलितां नूं दसे कि उन्हां दा धर्म किहड़ा आ। और तीसरा मानजोग चन्नी साहब तुसीं अज बाबा साहब अंबेडकर दे संविधान की बदौलत जिहड़ा मुख्यमंत्री की कुर्सी ते विराजमान होए आ तुसीं अपने 40 मिंटां दे जिहड़ा मीडिया नूं संबोधन किया एक बार भी परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर का नाम नहीं लिया। थानू राहुल गांधी जी क्रांतिकारी नजर आते राहुल गांधी जी क्रांतिकारी नजर आते जिन्हां दे नाना जी पंडित जवाहर लाल नहरू जी ने और कांग्रेस के उस वेले दे मौके दे बड़े आगू महात्मा गांधी जी ने बाबा साहब अंबेडकर नू पूना पैक्ट दे विच दो वोटां दा अधिकार खोलिया दो वोटां दा और दलतां नू निहत्थे कर दिता दो वोटां दा अधिकार खो के और 1946 विच राहुल गांधी जी थानू क्रांतिकारी नजर आउंदे इन्हां दे नाना जी जिहड़े कांग्रेस दे प्रधान वा उस वेले ओ बाबा साहब अंबेडकर नू पार्लीमेंट विच चुने जाण तों रोकदे आ और कांग्रेस बयान लगाउंदी आ कि अंबेडकर साहब नू ताकियां दरवाजे रोशनदान पार्लीमेंट दे बंद कर दित्ते अंबेडकर नू चुण के ना जाण देंगे। मानजोग चन्नी साहब थानू राहुल गांधी क्रांतिकारी नजर आउंदे आ बाबा साहब अंबेडकर क्रांतिकारी नहीं नजर आउंदे जिन्हां दे संविधान की बदौलत दलतां नू पछड़ियां नू गरीबां मजलूमां औरतां नू उन्हां दे मनुखी अधिकार मिले आ। और मानजोग चन्नी साहब असीं तुहाडे अगे बेनती करदे आ निमरता सहित जे अज तुहाडे ते इन्हां ने दलित होण करके मुख्यमंत्री बनाया तां किरपा करके पंजाब दे जिहड़े दलित समाज दे एजेंडे आ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਦਲਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ